पंजाब में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा फिरोजपुर के हुसैनीवाला से प्रदेश अध्यक्ष विजय सापला करेंगे शुरुआत 8 जनवरी को अमृतसर में होगा समापन। पंजाब विधानसभा समेत 5 राज्यों में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान, सख्ती से आचार संहिता लागू करने की हिदायत। ड्रग्स पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, बोले सरकार में आने पर ड्रग्स माफिया खत्म करने के लिए लाएंगे विशेष कानून, पंजाब कांग्रेस का ड्रग्स पर 9 पॉइंट्स वाला ड्राफ्ट तैयार। पंजाब में दल बदल का खेल जारी, आज दिल्ली में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में अकाली दल में शामिल होंगे कुछ और नेता। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की कवायद तेज, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और आशा कुमारी करेंगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात। पंजाब में हथियारों के प्रचार प्रसार को लेकर चुनाव आयोग से कैप्टन अमरिंदर की शिकायत पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का वार, मुख्यमंत्री बादल बोले झूठी शिकायतें चुनाव आयोग से कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। लंबी हलके से आम आदमी पार्टी की ओर से जरनैल सिंह को उम्मीदवार बनाने की चर्चाओं पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी खेल रहे हैं फ्रेंडली मैच। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता वीरेंद्र परिहार ने लगाए पार्टी पर गंभीर आरोप, पार्टी की फंडिंग की जांच की उठाई मांग। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस का दावा, नीले कार्ड को लेकर हुआ घोटाला, डीसी से की मुलाकात, अकाली दल ने आरोपों को किया खारिज। कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका पर सिख पंथ की अरदास को तोड़ मरोड़ कर पेश करवाने का आरोप, अकाल तख्त ने लिया संज्ञान, एसजीपीसी को जांच के आदेश। साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश का पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर का किया उद्घाटन, सेंटर में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जनता को ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाएं देने के मकसद से हरियाणा सरकार फिर तैयार करेगी किलोमीटर योजना, परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार ने दी जानकारी, कमेटी का किया गठन। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने नोटबंदी पर फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, मोदी सरकार पर लगाया विदेशी कंपनियों को प्रमोट करने का आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 55 में नशा मुक्ति सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, 27 युवाओं को करवाया गया रिहा, बेसमेंट में बंद करके रखे हुए थे युवा। हिसार पुलिस ने जिले को हादसों से बचाने के लिए करवाया सर्वे, जिले में ऐसी 80 जगहों का पता चला है जहां दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। हिसार में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, फसल बीमा योजना की वापसी और अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सोनीपत से अगवा किए गए 3 बच्चे मिले, 2 की हालत गंभीर, 1 सही सलामत, 2 गिरफ्तार, 3 की तलाश। सिरसा शहरी क्षेत्र हुआ खुले में शौच मुक्त, अभियान में सहयोग करने वालों को किया गया सम्मानित। मेवात में तेंदुए से हड़कंप, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए पर पाया गया काबू। फरीदकोट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लूट गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। शिमला में अब साइकिल से कीजिए हसीन वादियों की सवारी, शहर में तैयार हो रहे हैं साइकिल स्टैंड, नगर निगम की योजना। ओलंपिक एसोसिएशन का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनने से सुरेश कलमाड़ी का इनकार, आईओए से खेल मंत्री के जवाब के बाद लिया यू टर्न, खुद पीछे हटे। कलमाड़ी की तरह अब है चौटाला पर आईओए के पद से पीछे हटने का दबाव, लेकिन बोले मुझ पर नहीं है कोई क्रिमिनल केस। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को दिल्ली में खेल मंत्री विजय गोयल ने किया सम्मानित, हर खिलाड़ी को 3,70,000 की दी गई इनामी राशि। फतेहगढ़ साहिब में गतका कक्का आज से होगा आगाज, देश विदेश की टीमें दिखाएंगी जौहर।